दोस्तों हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से हम यूजीसी नेट पीजीडी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसे तमाम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार है, भारत सरकार भी आप बोल सकते हो, वो साख नियंत्रण का काम कर रही थी। साख नियंत्रण के इस काम में अव्यवस्था के कारण 1926 में हिंटन यंग कमीशन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की वकालत की गई और उस सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम के बेस पर 1 अप्रैल 1935 को 5 लाख अधिकृत पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसमें से जो भारत सरकार का हिस्सा था, वो मात्र 20 से 22 लाख था। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक एक निजी बैंक के रूप में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या था, इसकी स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो था करेंसी प्रबंधन एवं साख नियंत्रण। यानी कि हम कह सकते हो कि एक अधिनियम पारित किया गया था 1934 में जिसमें आरबीआई की स्थापना की गई और इसका स्थापना का जो उद्देश्य था वो था साख प्रबंधन करना, साख नियंत्रण करना और केंद्रीय करेंसी का प्रबंधन करना। 1949 में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समय किस वर्ष में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई की पॉलिसी भी कई तरीके की होती है, जिसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन हम यहाँ पे करा रहे हैं कि जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय बैंक रेट 3.5 था। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 से 5 लाख की पेड अप कैपिटल के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई जो है वो दो रिपोर्ट जारी करती है करेंसी तथा फाइनेंस से संबंधित, जिसमें से पहली रिपोर्ट का नाम है एनुअल रिपोर्ट ऑफ बैंक एंड दूसरी रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। और इस दोनों रिपोर्ट का जो संबंध है वो करेंसी और फाइनेंस से संबंधित है। दोस्तों अगर हम आरबीआई की ही बात कर रहे हैं तो आरबीआई में दो तरीके के संगठन काम करते हैं, तो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय बोर्ड है, और दूसरा क्षेत्रीय बोर्ड है। केंद्रीय बोर्ड जो है वो एक तरीके का टॉप ऑर्डर में है या जो फैसले लेता है, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स भी इसके सारे में लिखे हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 5 निदेशक होते हैं। यानी कि इसका जो गवर्नर है वो एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा 15 निदेशक होते हैं और इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार की अनुशंसा पर ही की जाती है। केंद्रीय बोर्ड के कार्य जो है वो क्या है, बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षक करना, यानी कि सभी की सभी पूरी प्रणाली का, पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली का एक तरीके से सुपरविजन करना, साथ ही साथ उनको डायरेक्शन देना। यानी कि देश की जरूरतों के हिसाब से केंद्रीय बैंक डायरेक्शन का काम करता है, सुपरविजन का काम करता है। क्षेत्रीय बोर्ड की बात करें तो भारत की 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। क्षेत्रीय बोर्ड का कार्य केंद्रीय बोर्ड का विभिन्न मामलों की जानकारी देना, यानी कि जो केंद्रीय बोर्ड है उसको सूचनाएं प्रोवाइड कराना विभिन्न मामलों के बारे में, और केंद्रीय बोर्ड अगर कोई भी काम करने की कहता है तो उसको काम को करना भी क्षेत्रीय, आप कह सकते क्षेत्रीय बोर्ड का काम है। इसके अलावा मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई की अधिकारियों के लिए 2 प्रशिक्षण महाविद्यालय बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज चेन्नई में, इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर्स बैंकिंग पुणे में। इसके अलावा 3 स्वायत्त संस्थाएं जो कि आरबीआई से रिलेटेड है, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR, इसके अलावा बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान संस्थान IDRBT। तो बेसिकली ये सब प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें क्या कहते हैं, एक तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। इसके अलावा देखिए कुछ विशिष्ट प्रभाग भी हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो नोट मुद्रण का काम है, यानी कि नोट एवं सिक्के ढलाई का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक, नोट मुद्रण, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम है,
आरबीआई से रिलेटेड, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, भारतीय बैंक में जमा राशि का बीमा एवं ऋण प्राप्ति की गारंटी। यानी कि आपको पता होगा कि भारत में एक तरीके से प्रोविजन है कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक है और बैंक डूब जाती है तो उसकी गारंटी आरबीआई की है, यानी कि आरबीआई आपका भुगतान करेगी। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का आपके अकाउंट में और फिर बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, अगर आपके अकाउंट में कम है तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपके अकाउंट में है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 100 रुपए और बैंक डूब गई तो आपको 5 लाख मिलेंगे। तो ये काम करने का काम करता है जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भी है, भुगतान एवं निपटारा प्रणाली का प्रबंधन करना इसकी जिम्मेदारी है। ये सारे के सारे एक तरीके के प्रभाग हैं। आरबीआई के अंदर बहुत सारे प्रभाग हैं, उन प्रभाग का नाम आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिक एवं संवर्ध सेवाएं, आईटी से संबंधित सुविधाएं सभी बैंकों को देने के लिए ये प्रभाग है। तो ये बैंक आरबीआई के कुछ प्रभाग हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी भी है। मैं आपको दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि आरबीआई के अपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से कुछ संस्थाओं को आरबीआई से अलग किया गया है और स्पेसिफिक काम उन्हीं बैंकों को दे दिए गए हैं। जैसे पहला है नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है, उनके संवर्धन का काम करती है। दूसरा है भारतीय लघु उद्योग एवं विकास निगम, जो कि लघु उद्योगों के विकास और उनको ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। पहले ये आरबीआई के पार्ट थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स के लिए दिए जाते हैं। तो बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में, इसके अलावा टीजीटी के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो से बनेंगे। और अगर हम जब एमसीक्यू कराएंगे तो आप देखिए, या आप जब खुद करोगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। और आप इस वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। थैंक यू।